मैं नाजनी खबर लहरिया की सीनियर रिपोर्टर और मैं मीरा देवी खबर लहरिया की चीफ रिपोर्टर। हमारे शो चुनावी बुखार सावधान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे को हराने के लिए भरपूर कोशिश करी। ये सोशल मीडिया में खूब देखने को मिला, बयानबाजी में एक दूसरे के लिए आरोप लगाना, खूब कमेंट करना। ऐसा लग रहा था जिस तरह से कि जो लोग कमेंट करते थे सोशल मीडिया पे, तो लग रहा था कि जैसे बस लड़ाई करने वाले हैं, अगर सामने हो तो कोई बड़ी जंग होने वाली है। ये सब देखने को मिला इस तरह से, और ये नतीजा आज देखने को भी मिला है। ये सब करते हुए 2014 की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाते हुए 92 सीट जीत हासिल कर ली, तो वहीं पर बीजेपी पार्टी भी बहुत बहुत आगे बढ़ गई और उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा ठोक दिया, तो वहीं पर अन्य पार्टियों ने 97 सीट जीत हासिल की। ये राजनीति है, राजनीति में छिटा कसी नहीं करेंगे तो वोट बैंक नहीं बनेगा, और राजनीति में ये माना जाता है कि एक दूसरे में छिटाकशी लोग करते हैं, और उसके बाद फिर चुनाव के वोट बैंक बनाने के लिए ये सब राजनीति करते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को कहाँ से मिलती है, सोशल मीडिया से कि पेपर से कि टीवी से, किस चीज़ से? आज मैम इस समय वर्तमान में इसमें सोशल साइड ऐसा है कि सोशल साइड सबसे तेज़ है कि कोई भी चीज़ छोटी सी बात होती है वो बहुत तेज़ वायरल होने लगती है, तो सोशल साइड से ही इस सब चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं, तो इसके पहले भी बीजेपी की ही सरकार थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, तो बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा दुख उस समय यहाँ की जनता ने झेला जब नोटबंदी हुई थी। लोग लाइनों में घंटों खड़े रहते थे, दिन दिन भर खड़े रहते थे, और इस चीज़ का दुख सबसे ज़्यादा यहाँ की आम जनता पर पड़ा, गरीब जनता पर पड़ा। तो वहीं पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था और उनका जो नौकरी थी वो डाउन हो गई, ऊपर से भूचर खाने बंद करा करके उनकी रोजी रोटी छीन ली गई। मोदी सरकार ने तो ये किया, उससे बढ़कर के योगी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि यूपी में यंग लोग ही ऐसे नहीं हैं जो नौकरी के लायक हो, और मोदी ने पकौड़े तलने की बात की युवक के लिए। तो ये सब कह करके इस सरकार ने यूथ को बहुत ठेस पहुंचाई। जिस तरह से आपने नोटबंदी की बात की, अगर मैं बात करूं उसी टाइम की जीएसटी की, तो जब जीएसटी लागू किया गया था तो उस टाइम व्यापार मंडल पूरी तरह सड़कों पे उतर आया था, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सरकार से सारी जनता बहुत ही खफा है। अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो किसान कर्ज माफी, बिजली पानी, महिला सुरक्षा, पहाड़ों के कटान, बालू खनन, ये सब व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त थी। ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि अब पूरी जनता ने एकदम से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। पर चुनाव करीब आते ही पुलवामा और बारामूला अटैक ने मोदी खिलाफ हवा की रुख ही बदल करके रख दी। ऐसा नहीं कि सब लोग इसको सकारात्मक ले रहे थे, बहुत लोगों ने इस अटैक का जिम्मेदार मोदी को ही ठहराया। इसको लेकर के जिस तरह से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज वीडियो ऑडियो वायरल किए गए, उससे सब लोग परिचित हैं। इस हादसे के बाद मोदी की लोकप्रियता में फर्क तो पड़ा, खूब सोशल मीडिया में कमेंट वायरल हुए, वीडियो वायरल हुए, बयानबाजी हुई, और मोदी समर्थकों ने खूब मोदी सुनामी लाने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वहीं अन्य पार्टियां भी मोदी के खिलाफ कमेंट बयानबाजी करी। ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा था कि फेक न्यूज या कमेंटबाजी करने के लिए स्पेशल टीम ही बना दी गई हो। ये सब खबरें आपको कहाँ से देखने को मिलती है? इतना वायरल हो रहा है वीडियो की हर जगह से,
आपको। दूसरी तरह से अगर हम बात करें नाजनी, क्योंकि आपने भी रिपोर्टिंग किया चुनाव के दौरान और मैंने भी किया, मैं तो झांसी भी गई थी, वहाँ की जो चुनावी रैलियाँ थी, पार्टियों ने जो चुनावी रैलियाँ की थी उनमें भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा जो अन्य पार्टी थी, कांग्रेस, गठबंधन, उनकी जो रैलियाँ थी उनमें बहुत ज़्यादा संख्या जुटी बीजेपी पार्टी के अलावा। अगर मैं बात करूं करबी की, यहां पर 29 अप्रैल को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आई थी और उसी दिन अमित शाह भी आए थे, बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसके अलावा भी मैंने देखा कि झांसी में भी अखिलेश यादव आए, वहाँ की जो टेंट की व्यवस्थाएं थी, एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि आतर्रा में गठबंधन प्रत्याशी बाल कुमार पटेल अपने भाषण बातचीत में बताया कि उन्होंने 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की है, कुर्सियां और टेंट की व्यवस्था की है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पर जो भीड़ दिख रही थी वो इतनी ज़्यादा थी, कुर्सियों में तो लोग बैठे ही थे, दुगुना तिगुना की संख्या में लोग वहाँ पर थे, पूरा मैदान भरा था, लोग खड़े थे, बिल्डिंगों में चढ़े थे, ऐसा लग रहा था कि लाखों लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर आप बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अमित शाह आए थे, उसमें कितनी भीड़ रही होगी। अमित शाह जब आए थे तो देखा था कि लगभग 10,000 लोग रहे होंगे वहाँ पे, वो भी काफी संख्या दिख रही थी, लेकिन जब हम वहाँ से चल करके प्रियंका गांधी की रैली में आए तो देखने को मिला कि कई किलोमीटर तो बस ही बस और फोर व्हीलर खड़ी थी और बहुत भीड़ थी। उसके बाद जब वहाँ की जनता का आकलन करा गया तो लगभग 25,000 से 30,000 जनता रही होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये जो अंतर देखने को मिला, लोकप्रियता का अंतर देखने को मिला, लोगों की भीड़ जो देखने को मिली और जो नतीजे निकल करके सामने आए, वो अपने आप में कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए मजबूर है कि ये मैजिक जादू चला तो चला कैसे। तो इस चुनाव के दौरान जिस तरह से पूरा माहौल देखने को मिला, वो ऐसे लग रहा था कि आप हार जीत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कम, अहंकारी सत्ता बनाए रखने के लिए ज्यादा होती है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि जिस तरह से जनता ने बड़े विश्वास के साथ दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर बैठाया है, सरकार बनाने की पूरी तरह से एक जोर लगा दी है, उस उम्मीद को सरकार कायम करे, उस पर खरी उतरे, जो देश में शांति, सुरक्षा, सद्भावना, भाईचारा है उसको कायम रखे। यहाँ के मुद्दे हैं जो देश के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, दलितों के मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, शिक्षा, रोजगार, पानी और बहुत सारे तमाम मुद्दे, हमारे बुंदेलखंड के खास कर मुद्दे, खनन, पहाड़ों का कटान, ये सारे मुद्दे पर सरकार काम करे, अपने अधूरे वादों को पूरा करे। इन्हीं सवालों और अनुभव के साथ हम लेते हैं विदा। ये हमारे शो का अंतिम शो है, हम आएंगे एक बार फिर से नया शो लेकर के। तब तक आप बने रहिए खबर लहरिया के साथ, देखते रहिए। सबको बहुत बहुत नमस्कार। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।